नमस्कार, सभी व्यूअर्स का स्वागत है मेरे चैनल कामना क्रिएटिव्स पर। और फ्रेंड्स, इस वक्त हम खड़े हैं एक फलदार शहतूत के पेड़ के पास। शहतूत यानी मलबरी। इस जगह पर एक नहीं, अनेक शहतूत के पेड़ आप देख सकते हैं। और इनके फल भी अब पकने लगे हैं। इनके पकने का टाइम आ चुका है। पहले ये हरे होते हैं, हरे से लाल और लाल से काले, और काले होने के बाद ये पेड़ पर ज़्यादा टाइम नहीं रहते, पेड़ से हाथ लगाते ही गिर जाते हैं। नमस्कार, सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल कामना क्रिएटिव्स पर। और आज मैं आपके साथ एक सुपर हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और वाइटामिन से भरपूर मलबरी जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना तो बहुत ही सिंपल है लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये जो मलबरीज आप देख रहे हैं, इन्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने हाथों से प्लक किया है, तो ये एकदम फ्रेश है, एकदम ताजा, तो इनका जूस भी बढ़िया रेडी होगा, एकदम ऑर्गेनिक और हेल्दी। ये देखिए, ये आपको दिखाने के लिए मैं इसकी एक टहनी भी तोड़कर लाई हूँ। इस तरह से होती हैं जब ये कच्ची होती हैं। सबसे पहले इनका कलर ग्रीन होता है, फिर स्लोली ये रेड में कन्वर्ट हो जाती है। जब इनका कलर ग्रीन होता है तो इनका टेस्ट फीका सा रहता है, एकदम ब्लैंड। रेड होने पर इनका टेस्ट थोड़ा खट्टा सा हो जाता है, थोड़ा खट्टा ज्यादा होता है, तो इसकी चटनी भी बनाई जाती है। और जब फुली राइप हो जाते हैं तो इनका कलर ब्लैकिश हो जाता है। ये देखिए, ये थोड़ी बास्केट में गिर गई, क्योंकि जो पक जाती हैं जो मलबरी, वो टहनी पर टिक नहीं पाती, हल्का सा हाथ लगाते ही नीचे गिर जाती हैं। और मलबरी का फ्रूट ही नहीं, इनके जो ये पत्ते हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, और इनमें कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। लोग इनकी चाय भी बनाकर पीते हैं। आप में से बहुतों को ये मालूम ही होगा कि जो सिल्क वॉर्म है, ये मलबरी लीव्स को ही खाता है, यही उनका भोजन है। शहतूत एक ऐसा फल है जिसमें पाए जाने वाले रेजवेरेट्रॉल के बारे में माना जाता है कि वह शरीर में फैले पॉलिटेंट्स को साफ करके इन्फेक्टेड चीजों को बाहर निकाल देता है। अगर आप रिंकल से परेशान हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं, इसके लिए शहतूत का जूस पीजिए, आपका चेहरा चमक उठेगा और सारे रिंकल्स गायब हो जाएंगे। इसमें वाइटामिन सी, पोटेशियम और आयरन, ये भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और ज़रूरी हैं। तो चलिए
मलबरी जूस बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने फ्रेश मलबरीज को अच्छी तरह से वॉश करके ले लिया है। ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मिंट लीव, एक अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने पील करके कट कर लिया है, एक टेबलस्पून लेमन जूस, दो टेबलस्पून शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़े आइस क्यूब्स और 1.5 कप ठंडा पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सर का ब्लेंडर जार ले लेंगे जिसमें हम जूस को ब्लेंड करेंगे। मलबरी ऐड करेंगे। हमने मलबरीज ऐड कर दी है। अब जिंजर ऐड करेंगे। शुगर, लेमन जूस, मिंट लीफ, थोड़ी सी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, अभी आइस नहीं ऐड करेंगे। और एक बार ब्लेंड कर लेंगे। एक बार हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर लिया है, अब हम आइस डालेंगे। और बाकी का बचा हुआ पानी भी। और वापस एक बार ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने जूस को वाटर और आइस ऐड करके दोबारा से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। ये देखिए मैंने जूस को स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है और बहुत जरा सा रेसिड्यू बचा है। अब हम जूस को इमीडिएटली सर्व करेंगे। तो लीजिए, सुपर हेल्दी और टेस्टी मलबरी जूस पीने के लिए एकदम रेडी है। जरा टेस्ट करके बताइए तो कैसा बना है। और एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।